गाड़ी ला के बैठी है। तेरा फिर जुमा पढ़ के आएगा तो बोलेगा बंद कर देना। याद आया तेरी फुफो आना दी घंटे तक नहीं पा जा पानी बस थले आ जाए। सामीन अभी जो गाना आप सुन रहे थे ये फिल्म सरफरोश से लिया गया है। फिल्म सरफरोश जैसे कि आपको याद होगा ये फिल्म 1956-57 में रिलीज हुई थी। आज के प्रोग्राम में जो खत मुझे मौसूल हुए हैं उसमें पहला खत चौधरी निज़ाम ने लिखा है। लिखते हैं, जाहिर सुल्तान साहब मैं आपका कॉलम बड़े शौक से पढ़ा करता था, आपका बहुत फ़ैन था, लेकिन पिछले हफ्ते आपका कॉलम पढ़कर मुझे बहुत दुख हुआ। आपने अपने कॉलम में कत्ल की जिस वारदात का जिक्र किया है वो बहुत घिनौनी वारदात थी और उस कत्ल की वारदात के साथ इस शहर के शरीफ आदमी यानी मलिक यार मोहम्मद का जिक्र करके आपने मेरा मान तोड़ दिया। मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे लगा कि आप भी अब जर्द सहाफत पर यकीन करने लगे हैं। देखिए ना, इतनी भयानक वारदात के साथ इस शहर के शरीफ और मुतमव्वल आदमी का जिक्र करना एक शरीफ आदमी की पगड़ी उछालने के मुतरादिफ है, और नहीं तो क्या। आखिरकार मलिक यार मोहम्मद साहब इस शहर के नहायत शरीफ नेक आदमी हैं और हम सब उनकी शराफत और नेकी की गवाही दे सकते हैं। चौधरी साहब मेरे पिछले हफ्ते के कॉलम का हवाला दे रहे थे। वो कॉलम मैंने मलिक यार मोहम्मद खान के बारे में लिखा था जो कौमी असेंबली का इंतखाब लड़ रहे हैं। पिछले दो हफ्तों के दौरान मलिक साहब की ट्रांसपोर्ट कंपनी के 7 मुलाजमीन हाईवे के मुख्तलिफ मकामात पर कत्ल कर दिए गए। सामईन, कातिल का पता नहीं चल सका। ट्रांसपोर्ट कंपनी मलिक साहब के कई धंधों में से एक धंधा है। मलिक साहब के मुलाजमीन के बारे में अब ये इंकशाफ हुआ है कि वो सब के सब कत्ल, ज़िना बिलजबर और अगवा जैसे घिनौने जराइम के लिए सजा याफ्ता थे। मेरे बहुत प्यारे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम भाइयों, बहनों, माओ, दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि मैं आपकी इस इलाके से क्यों खड़ा हुआ हूं। इसलिए कि मुझे आप लोगों के दुख दर्द का पता है। मैं जानता हूं कि यहां पर आप लोगों के मसाइल क्या है और उनको कैसे हल किया जाता। चौधरी निज़ाम साहब, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मेरी वजह से आपको दुख पहुंचा, लेकिन इस सिलसिले में मैं सिवाय इसके और क्या कह सकता हूं कि इसमें कोई शक नहीं कि तकदीर ही मंजिल की निशानदेही करती है, लेकिन अपने आमाल का इंसान खुद जिम्मेदार होता है। नाइंसाफ़ी और जुल्म हमेशा हारती हैं और ज़िंदगी के सारे फैलाव प्यार में सिमट आती हैं। सामईन, मुझे पूरा यकीन है कि आप सब मुझसे इत्तफाक करेंगे कि ऐसे लोग जो इख्तदार आला हासिल करना चाहते हैं उनके तमाम आमाल का एहतसाब होना बहुत ज़रूरी है। क्या हमारा मुल्क मजीद बदउनवान हुकूमतों और बेईमान सियासतदानों का मुतहम्मिल हो सकता है? ऐसे सियासतदान जो लोगों से उनका हक छीन लेते हैं। मलिक यार मोहम्मद खान ऐसे झगड़ों में क्यों मुलव्वस हैं जो खतरनाक मुजरिमों के टोलों की लड़ाई लगती है? क्या लोगों को अपने लीडरों के बारे में सब कुछ जानने का हक नहीं है? मैं उन दुश्मनों और आपके दरमियान दीवार हूँ, ऐसी दीवार जो कभी नहीं गिरेगी। जहां तरक्की होगी। जिंदाबाद।